हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैम चिप, यानी कि रैम चिप क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने रैम चिप का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि रैम चिप होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, रैम चिप क्या होता है। एक रैम चिप सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है, यानी कि जो हमारी रैम चिप होती है वो सीपीयू के साथ यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बेहतर होती है, ठीक है। यदि इसमें एक या अधिक कंट्रोल इनपुट्स हैं जो केवल नीड होने पर चिप को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि रैम चिप जो हमारी लगी होती है उनके पास एक या एक से अधिक कंट्रोल इनपुट्स होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर उस चिप को सेलेक्ट करते हैं, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, अनदर कॉमन फीचर्स यह है कि इसमें एक बाईडायरेक्शनल डेटा बस होता है, यानी कि फ्रेंड्स रैम चिप का जो हमारा एक फीचर ये भी है कि इसमें बाईडायरेक्शनल डेटा बस होता है, ओके फ्रेंड्स, जो रीड ऑपरेशन के दौरान या तो मेमोरी से सीपीयू तक या राइट ऑपरेशन के दौरान सीपीयू से मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारा रैम चिप है उसकी एक फीचर्स ये भी है कि इसमें बाईडायरेक्शनल डेटा बस होता है, ओके फ्रेंड्स, जो रीड ऑपरेशन के दौरान मेमोरी से सीपीयू तक और राइट ऑपरेशन के दौरान सीपीयू से मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है, ओके फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट फ्रेंड हमारा ये है कि यह बाईडायरेक्शनल बस का निर्माण थ्री स्टेट यानी कि ट्राई स्टेट बफर के साथ किया जाता है, ओके फ्रेंड्स। बफर भी हमारी एक टाइप की मेमोरी होती है जिसमें हम कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक थ्री स्टेट बफर इनपुट को तीन पॉसिबल स्टेट में से किसी एक में रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ बताया कि बाईडायरेक्शनल बस का निर्माण जो है थ्री स्टेट बफर्स के साथ किया जाता है और इस थ्री स्टेट बफर आउटपुट को तीन पॉसिबल स्टेट्स में रखा जा सकता है। अब ये फ्रेंड्स थ्री पॉसिबल स्टेट क्या होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली स्टेट होती है अ सिग्नल इक्विवेलेंट टू लॉजिक वन, यानी कि एक सिग्नल हमारा होगा जो लॉजिक वन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या है कि अ सिग्नल इक्विवेलेंट टू लॉजिक जीरो। फ्रेंड्स, जो हमारा एक सिग्नल होगा वो लॉजिक जीरो के इक्विवेलेंट होगा, और जैसे पहले बताया कि एक सिग्नल जो हमारा होगा वो लॉजिक वन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो तीसरी पॉसिबल स्टेट हमारी क्या होती है, हाई इम्पीडेंस स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। लॉजिक वन एंड जीरो सामान्य डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। जो लॉजिक वन और जीरो है यह है एक जनरल या कि कॉमन डिजिटल सिग्नल्स हैं फ्रेंड्स, और हाई इम्पीडेंस स्टेट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास तीन स्टेट हो रही थी पॉसिबल स्टेट, जिसमें कि लॉजिक वन और जीरो जो है एक कॉमन डिजिटल सिग्नल्स हैं, जबकि जो हमारा हाई इम्पीडेंस स्टेट है यानी कि थर्ड स्टेट वह एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसका अर्थ है कि आउटपुट एक सिग्नल नहीं देता, यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है और इसके पास कोई लॉजिक महत्व नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो आपने इस तरीके से तीनों पॉसिबल स्टेट्स के बारे में समझा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि मेमोरी की कैपेसिटी प्रत्येक वर्ड के 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट की 128 वर्ड्स है, ठीक है। इसके लिए 7 बिट की नीड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो 1 बाइट यानी कि 128 वर्ड्स है, जिसके लिए 7 बिट की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीड राइट इनपुट मेमोरी ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है। जो हमारा रीड राइट सिग्नल्स है वो इनपुट मेमोरी ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करता है, यानी कि रीड राइट जो है वो इनपुट मेमोरी ऑपरेशंस को निर्दिष्ट करता है। वह दो चिप सेलेक्ट्स कंट्रोल इनपुट केवल चिप को इनेबल करने के लिए होते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जो हमारी रैम चिप है उसका जो डिज़ाइन होता है उनमें क्या होता है कि आपकी दो सिग्नल्स हैं रीड और राइट, ये क्या करते हैं मेमोरी इनपुट ऑपरेशन को स्पेसिफाई करते हैं, और उसमें दो चिप सेलेक्ट सिग्नल होते हैं, मतलब कि दो चिप सेलेक्ट होते हैं जो कंट्रोल इनपुट केवल चिप को इनेबल करने के लिए होते हैं। यह एक माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका कुछ ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया है, अभी मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप जैसा इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक जो है रीड राइट हमारे दो सिग्नल्स हैं जो मेमोरी ऑपरेशन को स्पेसिफाई कर रहा, और दो हमारे पास चिप सेलेक्ट है जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, रीड और राइट इनपुट्स को कभी कभी रीड राइट लेबल वाली एक लाइन में जोड़ दिया जाता है, ओके फ्रेंड्स। यानी कि जो हमारे रीड राइट इनपुट्स होते हैं उनको कभी कभी हम एक ही लेबल यानी कि रीड राइट लेबल वाली लाइन में जोड़ देते हैं। जब चिप को सेलेक्ट किया जाता है तो इस लाइन में दो बाइनरी स्टेट
रीड अथवा राइट के ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है। यानी कि जब हम इसको रीड राइट लेवल वाली एक ही लाइन में जोड़ देते हैं तो चिप को जब हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तब उसमें क्या होता है, दो बाइनरी स्टेट्स होती है हमारे पास, रीड होती है और राइट, इन दोनों में से किसी भी ऑपरेशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपके सामने ये ब्लॉक डायग्राम है रैम चिप का, ठीक है। इस तरीके से हम रैम चिप को डिजाइन करते हैं। इसमें दो हमारे पास चिप सेलेक्ट सिग्नल होते हैं, यानी कि CS1 और CS2, यानी कि चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2, ये हमारे पास दो चिप सेलेक्ट सिग्नल है, ठीक है। और एक हमारा राइट का सिग्नल है, रीड का, और एक राइट का। ओके फ्रेंड्स, जिसे आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। और फ्रेंड्स इसमें 7-बिट एड्रेस होता है, AD1 से लेके AD7, ठीक है। ये 28 × 8, यानी कि जो है 28 वर्ड्स, यानी कि 1 बाइट रैम, ये चीज़ है आपका, ठीक है। ये मेमोरी की हमारी साइज है। और 8-बिट डेटा बस, इसमें जो हमारा बाई डायरेक्शनल डेटा बस का यूज होता है, जैसा कि अभी आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बताया गया है कि इसमें 8-बिट डेटा बस का हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका ये ब्लॉक डायग्राम बनेगा रैम का, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम यहीं पर डिस्कस करते हैं इस ब्लॉक डायग्राम मतलब कि इसके टेबल की, जो फंक्शनिंग टेबल है, कि यानी कि हमारी जो रैम चिप है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी रैम चिप है वो उसका फंक्शनिंग टेबल है यहाँ पर, ये कि कैसे हमारा रैम चिप वर्क करता है। तो इसको आपने देखा कि CS1, CS2, ठीक है फ्रेंड्स, रीड राइट, और जो है हमारे पास एड्रेस बस होती है 7, और मेमोरी का फंक्शन क्या हमारा रिप्रेजेंट करेगा, और स्टेट ऑफ डेटा बस की जो है वो स्टेट क्या होगी। फ्रेंड्स अगर CS1 और CS2 पर हम 0-0 देते हैं लॉजिक, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो मेमोरी के फंक्शन होगा वो इनहिबिटेड होगा, ठीक है, और डेटा बस की स्टेट हाई इम्पिडेंस में आएगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपने पढ़ा था प्रीवियस पॉइंट्स में कि हमारे पास 3 पॉसिबल स्टेट्स हो रही थी, एक हाई इम्पिडेंस यानी कि ओपन सर्किट, ठीक है फ्रेंड्स, और लॉजिक 1 और 0, यानी कि अगर हम 0-0 दे रहे हैं तो हमारी जो डेटा बस की स्टेट क्या होगी, वो हाई इम्पिडेंस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम CS1 पर 0 और CS2 पर 1 देते हैं तो भी हमारी मेमोरी के फंक्शन इनहिबिटेड होगी, ठीक है फ्रेंड्स, और स्टेट हमारा डेटा बस का तब भी हाई इम्पिडेंस में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वहीं पर हम CS1, CS2, रीड राइट, इन सब पे अगर हम CS1 पे 1 सेट करते हैं, लॉजिक 1 देते हैं, और CS2, रीड और राइट तीनों पर हम 0-0-0 देते हैं, यानी लॉजिक 0, तो हमारे मेमोरी फंक्शन क्या होगी, इनहिबिटेड होगी, और हमारे डेटा बस की स्टेट हाई इम्पिडेंस में होगा, ओके फ्रेंड्स। और वहीं अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, CS1 पर हम 1 सेलेक्ट करते हैं और राइट सिग्नल पर भी हम 1 सेलेक्ट करते हैं, बाकी CS2 और रीड पर हम 0-0 लॉजिक देते हैं, इनपुट देते हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने राइट पर हाई इनपुट दिया यानी 1, तो हमारी मेमोरी फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी, मेमोरी में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स डेटा बस की क्या स्टेट होगी, इनपुट डेटा टू रैम, यानी डेटा में हम रैम में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे डेटा को, यानी कि राइट स्टेट हमारी पॉसिबल होगी, मेमोरी जो हमारी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम CS1 को, यानी चिप सेलेक्ट 1 को 1 हम सेट करते हैं, CS2 को 0 और रीड को हम 1 करते हैं, और ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सिचुएशन में क्या होगी, मेमोरी फंक्शन हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने रीड को हाई सेलेक्ट किया है, ओके फ्रेंड्स। और हमारा डेटा बस का क्या स्टेट होगा, आउटपुट डेटा फ्रॉम रैम, ठीक है, यानी कि रैम से डेटा को रीड करेगा, ओके फ्रेंड्स। और वहीं हम चिप सेलेक्ट 1 और चिप सेलेक्ट 2 को 1-1 सेट करते हैं तो भी हमारी स्टेट इनपुट में इनहिबिटेड होगी और हमारा स्टेट डेटा बस का हाई इम्पिडेंस होगा। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपका ये ब्लॉक डायग्राम रैम है और ये आपकी फंक्शनिंग टेबल है उस डायग्राम का, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप यहाँ देखना, चलिए इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं कि फंक्शन टेबल जो है हमारा, ये वाला टेबल रैम चिप के ऑपरेशन को स्पेसिफाई करती है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि अभी आपका ये रैम चिप है ये वाला फ्रेंड्स, इसके ऑपरेशन को आपके फंक्शन टेबल जो है स्पेसिफाई कर रही थी फ्रेंड्स, ठीक है। यूनिट केवल तभी ऑपरेशन परफॉर्म करती है जब CS1 1 और CS2 0 और 1 हो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो है हमारी मेमोरी चिप है, रैम चिप है, वो तभी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी जब हमारा CS1 1 हो और CS2 0 या 1 हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे CS1 1 होगा तभी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा, और CS2 0 पर राइट कर रहा था, और जब हम यहाँ 1, ठीक है फ्रेंड्स ये चीज़। दूसरा सिलेक्टेड वेरिएबल जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो तभी इनेबल होता है जब CS2 0 हो, यानी कि जिसके ऊपर आपने बार लगा रखा है ये तभी इनेबल होगा जब CS2 हमारा 0 हो। जैसा कि आपने देखा कि CS1 1 था और CS2 0 तब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, CS1 1 था CS2
जीरो था तब हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट कि सी एस वन वन होना चाहिए और सी एस टू जीरो या वन होने पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन इसने बार लगा दिया तो इसका मतलब जब ये जीरो होगा तभी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा फ्रेंड्स, यदि चिप सेलेक्ट इनपुट इनेबल नहीं होते हैं या वे इनेबल हैं लेकिन रीड राइट इनपुट जो है रीड राइट इनपुट है इनेबल नहीं है तो मेमोरी इनहिबिटेड होती है और इसका डेटा बस हाई इंपीडेंस स्टेट में होता है। जैसा कि फ्रेंड्स इसने कहा कि फ्रेंड्स इसने ये पॉइंट कही है कि जब हमारे चिप सेलेक्ट इनपुट जो हैं इनेबल हैं या फिर नहीं है, ठीक है, और लेकिन हमारे जो रीड राइट सिग्नल्स हैं वो इनेबल नहीं हैं तो इस स्टेट में क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारे मेमोरी जो है फंक्शनिंग उसमें वो इनहिबिटेड रहेगी और डेटा बस का स्टेट जो है वो हाई इंपीडेंस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जब सी एस वन वन और सी एस टू जीरो रखा जाता है तो मेमोरी को रीड राइट मोड में रखा जाता है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने अभी अभी आपको बताया गया है कि जब हमारा मेमोरी जो है सी एस वन वन में और सी एस टू जीरो में होगा तभी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर रीड राइट। ठीक है, जब हमारा सी एस वन वन हो और सी एस टू जीरो हो तभी हमारा रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और फ्रेंड्स जब राइट इनपुट इनेबल होता है तो मेमोरी डेटा बस से एक बाइट को एड्रेस इनपुट लाइन के द्वारा स्पेसिफाई लोकेशन पर स्टोर करती है। यानी कि जब हमारा राइट इनपुट जो है इनेबल होता है तो क्या करता है कि हमारा जो मेमोरी डेटा बस है उसके थ्रू हमारे इनपुट लाइंस के मतलब एड्रेस को स्पेसिफाई लोकेशन में स्टोर करती है, यानी डेटा को इनपुट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब रीड इनपुट इनेबल होता है तब सेलेक्टेड बाइट के कंटेंट को डेटा बस में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से रीड व राइट सिग्नल मेमोरी ऑपरेशन के साथ साथ बाई डायरेक्शनल डेटा बस से जुड़े एक बफर को कंट्रोल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो है रैम चिप क्या होती है उसका ब्लॉक डायग्राम और उसका फंक्शन मतलब मेमोरी का फंक्शनिंग जो है टेबल ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको रोम चिप के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।